हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम जिसका नाम है GTA 5, इसके थर्ड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डेंजर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चोरी करने वाले हैं द वेंजेलिका स्टोर। और ये कोई मामूली स्टोर नहीं है, ये है ज्वेलरी शॉप और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। बट गाइस, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे पूरा सेटअप करना पड़ेगा और कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो वो इक्विपमेंट्स हमें आज कलेक्ट करना है। और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी लेस्टर मुझे कॉल नहीं किया, वो भी कुछ इक्विपमेंट्स जमा कर रहा है, तो मैं यहाँ से एक कार चोरी कर लेता हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि यहाँ से मुझे निकलना है सेटअप कंप्लीट करने के लिए इस ज्वेलरी स्टोर पे चोरी करने की। तो मैं कार तो चोरी कर लिया, बट यार ये आवाज़, हाँ बंद कर, नहीं यार अभी भी चल ही रही है, आवाज़ बंद हो जाए यार। ओके, तो आवाज़ तो बंद हो गई है, मुझे यहाँ से निकालना है। तो सेटअप करने के लिए अभी हमें जाना है, पहले तो मैं मैप देख लेता हूँ कि मुझे सेटअप करने के लिए जाना कहाँ पर है। HS हाई सेटअप, तो मुझे यहाँ पर ही जाना है। मैं मार्क तो कर लिया हूँ पाथ को, तो अपनी कार को फुल स्पीड भगाते हैं और हाई सेटअप पे जाते हैं। और गाइस, आप लोगों को यार थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, क्योंकि व्यूज़ तो अच्छा खासा आप लोग दे रहे हो इस सीरीज़ के ऊपर, बट लाइक थोड़े से कम पड़ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियोज़ तो देख रहे बहुत सारे लोग हैं बट लाइक बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। भाई लाइक करने में क्या ही जा रहा है, लाइक कर दो। और चैनल के ऊपर न्यू हो, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ये इसके ऊपर इम्प्रेशन बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लोगों के पास वीडियो जा रहा है, बहुत लोग वीडियोस देख रहे भी है, बट कुछ ही लोग लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी जो है वो कुछ ही लोग कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जल्दी से लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं हाईस्ट, ओ शिट भाई, मस्टैंग की कॉपी लिया है तो कुछ भी करेगा क्या, कहाँ से कहाँ लेकर आया वो, सीधा सीधा चलते चलते लेफ्ट ले लिया। भाई ये हाईस्ट जो सेटअप है मेरा, ये मूव कर रहा है क्या, मैंने यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, लगता है कोई गाड़ी है, लगता नहीं है ये गाड़ी होगी, क्योंकि जो हम लोग चोरी करने वाले हैं आज उसके अंदर एक खतरनाक गाड़ी की और अच्छे खासे वेपन्स की और आर्मर की ज़रूरत होगी। तो ओके, तो ये, ओ शिट सॉरी, तो सामने की तरफ ही है, बस मुझे सीधा सीधा ले जाना है और मुझे सामने की तरफ अभी तक तो दिख जाना चाहिए था वो गाड़ी, कहाँ गया, राइट ले लिया आगे से, कोई बात नहीं हम भी राइट ले लेंगे। और बड़ा तेज चला रहा है यार भाई ये बंदा, जो भी वो गाली दी उसने खतरनाक गाली दी, अगर नहीं सुने तो पीछे रिवर्स करके सुन लेना। मैं एक काम करता हूँ ना, आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डाला हुआ नहीं है, तो मैं अंदर बैठ के इन लोगों को मारता हूँ, क्योंकि ये भाई खतरनाक मुझे लग रहे हैं ये लोग। ओ शिट 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 शिट, हेल्थ बहुत कम बची है भाई, एकदम कम हेल्थ बची थी और मैंने मार गिराया सबको। 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है पीछे, मुझे अपनी गाड़ी ये लेके भागना पड़ेगा। लॉस द कॉप, और ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है भाई, ये है LSPD की गाड़ी। तो ये LSPD की गाड़ी मैं चुरा लिया हूँ, 3 स्टार की पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है। मुझे अगर लेफ्ट लेने का मौका मिला तो मैं लेफ्ट ले लूँगा, क्योंकि मुझे इन लोगों के रडार में नहीं आना है, अगर रडार में आते रहूँगा तो ये लोग मेरा पीछे छोड़ेंगे नहीं। तो भाई एक खतरनाक गाड़ी और बहुत सारे आर्मर का इंतजाम तो हो गया, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं उस चोरी के लिए। तो यार शेट यार, मैं रडार में आ गया इसके, मुझे सामने से अपनी गाड़ी को जंप करवा लेना चाहिए था, मैंने गलती किया। इस चोरी के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है ना, इन लोगों का एग्जिट पॉइंट, जो लेस्टर ने इन लोगों का एग्जिट पॉइंट जो बनाया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो। एक टर्नल में से होते हुए निकलना है हमें और एक पाइप में जाना है, और पाइप से होते हुए निकलना है, एक नाला रहता है ना, नाले के अंदर जाना है, और नाले के अंदर हमारा एक आदमी वेट करेगा, उसके पास होगा ट्रक, और उस ट्रक के अंदर जाकर हमें गायब हो जाना है। तो मैं जल्द से जल्द पुलिस से पीछा छुड़वाता हूँ, उसके बाद में हम लोग चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने कॉप से पीछा छुड़ा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री में। तो मैं काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ इसके, बस आगे से मुझे लेफ्ट लेना है और मैं लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री पर पहुँच जाऊँगा, बस मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है। भाई पहला सेटअप जो है वो कंप्लीट तो कर दिया है मैंने, अभी देखते हैं कि सेकंड सेटअप देता है लेस्टर या फिर इतने में से काम हो जाता है, क्योंकि लेस्टर भी सेटअप के लिए ही लगा पड़ा था, तो फोन कर लेते उसको। All right, Lester, I got us the tech team rifles. All right, then this score is ready to go. Come inside and meet the crew.
ओके भाई, तो सब कुछ सेटअप हो चुका है, एक सेकेंड सेव कर दूं मैं। सब कुछ सेटअप हो चुका है और अब हम लोग को जाना है लेस्टर के पास में। लेस्टर के पास में एक्चुअली हम लोग पहुंचे गए हैं और उसने कहा है कि क्रू से मिलने के लिए, तो क्रू यहाँ पे भी रेडी है। And we're gonna keep cool. Anybody gets pinched, this meeting never took place. We don't know each other. Is that clear? Now we've looked very, very carefully at the plans. We considered something more complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. Security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff. The customers are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control while you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Good luck, everyone. Let's go. तो दोस्तों, ये चोरी करने के लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स है। 90 सेकेंड्स के हम लोगों को सब कुछ उसके अंदर से चोरी करना है और चोरी करके निकलना है। और जो ये हैकर है, वो हैकर हैक करेगी साइबर जो सिक्योरिटी जो कैमरा है उसे हैक करेगी, और वहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है उसे हैक करके उसे अनलॉक करेगी। तो अभी फ़िलहाल इन लोगों को बैठने देते हैं, देखते हैं कि कौन कौन इसके अंदर बैठ रहा है। ये लोग बैठ रहे हैं और जो हैकर है वो उसमें गई है, और जो वहाँ से हम लोग चोरी करके लेकर आए थे ना अभी, फोटो ज्वेलरी स्टोर, ओके ठीक है, जो वहाँ से अभी हम लोग चोरी करके लेकर आए थे LSPD का, उसके अंदर स्नाइपर राइफल, उसके अंदर सब वेपन्स थे। हमने उस गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, वेपन्स की ज़रूरत थी। In the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. तो भाई माइकल सबको समझा रहा है कि अगर ये काम अच्छी तरीके से करना है तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। और वहाँ पे जब मीटिंग चल रही थी तो माइकल ने ये कहा था कि अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो कोई और किसी का नाम नहीं लेगा। मतलब अगर कोई पकड़ा गया, सपोज फ्रैंकलिन पकड़ा गया है, तो फ्रैंकलिन किसी का भी नाम नहीं बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन था। And I'm new to these kind of planned out detail robberies. I've done my share of small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars. Then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? तो भाई माइकल, सॉरी फ्रैंकलिन इतनी बड़ी कभी चोरी किया नहीं है, वो छोटे मोटे चोरी किया है, घर के अंदर घुस के चोरी किया है और छोटे मोटे स्टोर्स लूटा है। इतनी बड़ी चोरी वो किया नहीं है, फर्स्ट टाइम चोरी करने जा रहा है वो। और ये जो थर्ड बंदा था, इसके बारे में इतने बात ही नहीं सुना। तो भाई बातों बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं उस स्टोर के काफी करीब। तो भाई अब चलो, एक्शन का टाइम चालू है, एक्शन टाइम स्टार्ट। तो ये जो गन है ना, ये गन हम लोग LSPD से ही चोरी करके लेकर आए हैं। ओ भाई सीधा अंदर। तो भाई फटाफट जल्दी जल्दी, हम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स है। 90 सेकेंड्स के अंदर अंदर हम लोगों को सब पूरा का पूरा ज्वेलरी यहाँ से चोरी करके निकलना है। अरे यहाँ पर है। पीछे अगर कुछ छूट गया रहेगा तो ले लो भाई। ये जो मैप में ग्रीन ग्रीन डॉट आ रहे हैं ना, वो सब जगह पे जाके चोरी करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा है भाई, किधर है? हाँ ये। तो भाई हो गया है, टाइम से पहले हम लोगों ने चोरी कर ली है, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा हम लोगों को। भाई बड़ा लेट है यार ये। एक्चुअली ये लेट नहीं है, इसे फंसा के रखा था फ्रैंकलिन बाहर।
तो भाई चोरी तो एकदम आसानी से हम लोगों ने कर लिया, बस यहाँ से बाहर निकलना अब हम लोगों को। और लेस्टर ने बोल दिया है कि अगर सेफ रहना है तो क्लोज रहना पड़ेगा। खतरनाक भाई, एक गोली लग चुकी है फ्रैंकलिन को, बस मुझे बचाते हुए निकलना है, किसी तरह से भी गोली नहीं लगना। मैं थोड़ा थोड़ा मूव करते रहता हूँ ताकि इन लोगों की गोली मुझे ना लगे। बस यहाँ से किसी तरीके से निकलना है, सामने की तरफ ही टर्नल है, टर्नल के अंदर हम लोग सेफली आ तो गए हैं, बट मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि पुलिस है भाई, वो टर्नल के अंदर भी आ सकती है। प्लानिंग के टाइम पे मैंने लाउड चूज किया था ना, इसलिए लोग इतना डेयरिंग से अंदर गए और फाइट करके चोरी करके निकल गए। अगर मैं स्मार्ट चूज किया होता तो पहले सबको बेहोश कर देते ये लोग और बेहोश करने के बाद में चोरी करते, बट मैं बोला कि यार भाई क्या ही बेहोश करके चोरी करना, उससे अच्छा है कि लाउड एकदम डेयरिंग से निकालेंगे चोरी करेंगे। बस बाहर कोई बंदा है जो कि ट्रक लेकर आने वाला है, वो टाइम से ट्रक लेकर आ जाए बस। कुछ लोग बोल रहे होंगे कमेंट्स में, बोलेंगे कि मैं उन लोगों को पीछे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई गेम है वो, इन गेम है, मैं उन लोगों को पीछे नहीं कर सकता चाह कर भी, वो लोग मेरे से आगे ही रहेंगे, कितना भी मैं स्पीड भगा लूँ वो लोग आगे ही रहने वाले। तो हम लोग बाहर निकल गए हैं भाई, खतरनाक। तो भाई ये जितने भी पुलिस वाले हैं ना इधर पे, इन लोगों की कार को मेरे को साइड करना है और उनके लिए रास्ता बनाना है, उन तीनों के लिए। तो एक और पुलिस वाला दिख गया मुझे, एक और कॉप्स की गाड़ी दिख गई है। चल, गाड़ी कौन चला रहा है? माइकल है, माइकल है और वो हैकर है। बहुत तगड़ा वाला कवर दे रहा हूँ मैं इन लोगों को, कोई भी पुलिस वाला इन लोगों के करीब भी नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो अब इन लोगों की बाइक जो है वो ट्रक में लेके जाएंगे, और वहाँ से जो हमारे साथ में एक और बंदा था ना वो लोग, नहीं नहीं ये मैं ही लेके जाने वाला हूँ। ओके, मुझे लगा कि कोई और लेकर आएगा, बट मैं ही लेके जाने वाला हूँ इन लोगों को। चलो भाई चढ़ा लो फटाफट गाड़ी अपनी। Lester's waiting for us at the lockup. तो भाई यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने चोरी कर ली है द वेंजेलिका स्टोर। मैंने जानबूझ के उड़ाया उसको, चाहता तो बचा सकता था मैं उसको, बट देख रहा है ट्रक आ रही है फिर भी सामने से हट रहा नहीं है। I think we did. Oh, man. All right. Yeah. All in a day's work. भाई ये रहा लेस्टर, गाड़ी यहाँ पे खड़े करने को बोला है, चलो पार्क कर देते इधर। All right, people. We need to split up. They're going to be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. तो भाई यहाँ से सबको अलग अलग हो जाना है, और जो क्रू है ये क्रू बाद में मिलेगा, और जो पैसे मिलेंगे इससे वो डिवाइड कर लेंगे ये लोग बाद में। थैंक यू माइकल। Awkward as always. Not as awkward as the sex. I really wouldn't remember. भाई खतरनाक डायलॉग दिया भाई इसको।
चलो ठीक है, उन लोग उसको चाहने देते हैं अमेंडा को, जिसको समझ में आ गया भाई ओपी लिख देना। ये मैं माइकल से भी कर सकता था और फ्रैंकलिन से भी कर सकता था ये मिशन, बट मैं माइकल से करना चाहता हूँ, तो चलो माइकल से ही कर लेते हैं मिशन। तो भाई यहाँ पे जाके देख लेते कि कौन सा मिशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कि यहाँ पे अब कौन सा मिशन स्टार्ट होगा। तो अंदर जाके मैं देख लेता हूँ। ओके अबे भाई ये अभी कॉफी शॉप पे थी, यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गई? Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is भाई ये आ गया जो फर्स्ट वाले एपिसोड के अंदर जिसने गोली मारा था ना सबको, ये वही है। If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are done fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. तो भाई मुझे लग रहा है कि ट्रेवर की एंट्री होने वाली है अभी। Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems. Oh. Hey. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. तो भाई ट्रेवर की एंट्री हो चुकी है, बट स्टार्ट से मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यार जो ये कर रहा था ना वो नेक्स्ट लेवल था। Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. तो भाई ये जो लड़की थी ना अंदर, वो इसकी गर्लफ्रेंड है, लॉस्ट गैंग की गर्लफ्रेंड है, लॉस्ट गैंग का बंदा ये, उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड को उठा के लेकर आ गया था ट्रेवर। Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Cowboy, hey, I know, hey, come on. Shh, I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy, it's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Fucking shit! Cut, cut, cut! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Wait! तो भाई ये सीन देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ट्रेवर कितना बैड एज है। और फर्स्ट वाली जो चोरी हुई थी जो माइकल और ट्रेवर मिलके किए थे, उसके अंदर माइकल को लग रहा है कि ट्रेवर मर चुका है, बट ट्रेवर यहाँ पे जिंदा है। थोड़ी देर के बाद ना ट्रेवर माइकल से भी मिलेगा। भाई चढ़ जा रॉन यार, रॉन है कौन है ये। तो यहाँ से अब लॉस्ट गैंग का खात्मा करना स्टार्ट करेगा ट्रेवर। और ट्रेवर जब आ गया है तब एक सेकेंड, जो वेंजेली का स्टोर में चोरी किए ना अभी माइकल और फ्रैंकलिन और लेस्टर मिलके, तो ट्रेवर को लग रहा है कि ये माइकल ही चोरी कर सकता है क्योंकि माइकल का पैटर्न ट्रेवर को पता है।
तो ट्रेवर इसको बोल रहा है अपने दोस्त को कि वहाँ पर जाके पता कर लॉस सैंटोस के अंदर कि ये जो चोरी हुई है ये किसने किया है। अगर माइकल होगा तो ऑब्वियसली ट्रेवर उससे जाके मिलेगा। तो भाई खतरनाक सीन होते जा रहा है GTA 5 के अंदर, और GTA 5 इसीलिए इतना ज़्यादा चला है और इतना ज़्यादा फेमस हुआ है क्योंकि इसकी स्टोरी गेम प्ले सब जो है वो वन नंबर है। Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. तो भाई फुल ऑन पंगा हो गया है, वो लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैवर को, पर ट्रैवर इतना होशियार है कि वो भाई जो था ना वो जिम्मी को तो मार ही गिराया और साथों साथ में इन लोगों का भी पता निकाल लगा लिया कि ये लोग कहां पर रहेंगे, और ये लोग कहां पर वहां पर आके इन लोगों से बात करने की कोशिश किया बट वो लोग माने नहीं। अब इन लोगों को धोना है, तो ये सबसे पहला ये डाउन, फिर उसके बाद में किधर गया ये, एक और डाउन। Maybe you should hold off shooting the van. Aren't we meant to be letting the van run? You need some seat belts back here, or straps or something. I can't see us taking out all the bikers' disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that... Not today. चढ़ जा यार ऊपर, 4x4 है फिर भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। The van won't get there if we shoot it too much. I thought you was letting him go to the others. Hold off till we get there. तो भाई ये मुझे मना कर रहा है कि मैं उधर इस पे गोली नहीं चलाऊं, अगर वो लोग मर जाएंगे तो हम लोग इन लोगों की पूरी गैंग का पता नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं इन लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाता हूं और सिर्फ पीछा करता हूं, क्योंकि हम लोगों को इन लोग की पूरी गैंग का पता लगाना है। देखते हैं भाई कहां तक जाता है ये। Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chuck. We do this now. बोल रहा है कि अगर तुझे पता चल जाएगा कि ये लोग कहां पर है सबके सब लोग, तो मुझे ट्रेलर के अंदर ही छोड़ देना और उन लोगों से जाके अकेले फाइट कर लेना। The van won't get there if we shoot it too much. अरे पता चल गया यार, मैं समझ गया रॉन कि मुझे फायर नहीं करना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इनका पीछा करना है। पीछा करके इनकी फुल गैंग जहां पर है वो गैंग के पास पहुंचना है। Where we go? Come on. Oh, look, they're pulling up. You did it, Trevor. They're stopping. Hold the perimeter. Fuck. तो भाई पहुंच तो गए हम लोग। मेरे पास में गन कितनी है? बस भाई इतनी सी है और मेरे पास हेल्थ भी इतनी नहीं है। एक बंदा तो इधर ही पे ही था, मैं देखा नहीं उसको। भाई बहुत ज़्यादा संभाल के खेलना पड़ेगा क्योंकि मोड लावा डाला हुआ नहीं है इसके अंदर। एक किधर पर ये मैं देख लिया हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर भी एक है। अच्छा है कि मेरे पास में शॉर्ट गन है। Come out, avenge your fallen comrade.
एक बंदा यहाँ से आ रहा है। मैं मैप में देख देख के खेल रहा हूँ एक्चुअली, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखते रहना है कि कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं। एक बंदा वहाँ पर है और एक बंदा यहाँ से निकलेगा थोड़ी देर में, ठीक है देख लेते उसको। भाई इतने दूर नहीं जा रहा है, एक काम करता हूँ पिस्तौल से मारने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा उधर है, कहाँ से चिल्लाया ये? दो मिस हुआ। रे यार अभी और भी लोग आ रहे, रुक जाओ। एक सेकंड छुपना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गन चेंज करना है, बहुत दूर है वो लोग। रिलोड भी कर ही ले, अबे रिलोड कर ले भाई, अरे रिलोड कर ले। तो भाई ये लोग भागने लगे, जो बाकी के लोग थे ना वो लोग भागने लगे, ठीक है हम लोगों को अच्छा है क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। बट भागने तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर भाग जाएंगे तो बाद में दिक्कत देंगे ये लोग। ये साइड से एक भाग रहा है और एक बीच में से भाग रहा था, पहले मैं इस साइड वालों को मार दूँ। किधर है ये रहा? मरा नहीं है वो, खाली गिरा ही है। अबे क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई? अच्छा इसकी, मैं बहुत ज़्यादा से देर से इसको दौड़ा रहा था, इसके लिए इसका स्टैमिना ख़त्म हो गया और स्टैमिना ख़त्म होने की वजह से गिर गया था। फिर से स्टैमिना ख़त्म हो जाएगा यार। एक सेकंड, चल चल के जाते हैं क्योंकि इसकी हार्ट बीट्स मुझे सुनने में आ रही थी। तो भाई ट्रक के अंदर दोबारा से बैठना है और देखते हैं कहाँ जाना है अभी हमें। Go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? And get me some sticky. Riverside trailer पे जाना है हमें, और ये जो बंदा है ये बंदा अपने मामा के घर पे जा रहा है। वो उसका मामा का घर लॉस सैंटोस के अंदर ही, और लॉस सैंटोस जाके वो पता कर लगाएगा कि वो जो चोरी हुई है वेंजली का स्टोर में वो किसने किया है। अगर माइकल ने किया है तो माइकल को ढूंढने के लिए ट्रेवर भी वहां पर जाएगा, तो मजा आ जाएगी भाई। अभी gonna buy crystal fast as we can cook it. You just gotta meet him at the end and yeah. तो भाई रिवर साइड के काफी करीब तो मैं पहुंच गया हूं। यहां पे इनका नेटवर्क टावर है जो इन लोग यूज करके सबका पता लगा लेते कि कहां पर कौन है। तो यहां पर ही आना था मुझे। ओके ठीक है, तो ये बंदा है। तो इसको गिराना है हमें पानी के अंदर, नीचे नदी जल रही है। तो भाई चल ले, क्या हो गया? पुश द ट्रेलर इनटू द रिवर। ओके अगर मैं इसको यहाँ से मारना चाहूँ तो मार सकता हूँ क्या? मार तो सकता हूँ मैं, मगर जब गिराना है तो मारूँ क्यों? चलो भाई हो गया इसका काम तमाम। What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going. Saying something don't make it true. We was always cool. This is happening. I'll go away, man, but my people. I think he क्या धमकी देना चाहता है? मत दे। ट्रेवर को धमकी पसंद नहीं है भाई। तो मज़ा आ गया है भाई। ट्रेवर अपने एक बंदे को लॉस सैंटोस भेजा है माइकल को ढूंढने के लिए, और यहाँ पे लॉस गैंग का खात्मा करने पे लगा हुआ है। अब रॉन प्लेस पे जाना है मुझे, तो रॉन प्लेस पे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे। तो इस एपिसोड में बस इतने गाइस, आज के वीडियो में बस इतने। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड आने का वेट करना क्योंकि अब जो होने वाला है GTA 5 में वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। With
We'll be right back.